मेरे पंखों को अब उड़ान मिली, रखा था जमाने पहले जो माता पिता ने, अब जाकर उस नाम को पहचान मिली। मेरा नाम शोभा है, मैं गांव नजराना से बिलोंग करती हूँ। मेरी पढ़ाई 5वीं के बाद छूट गई थी, जिससे मुझे बहुत सारे चैलेंजों का सामना करना पड़ा, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपना मधुमक्खी पालन का काम स्टार्ट किया और उसके साथ मैंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, जिसमें 12 लड़कियों को जोड़ा और उनको मैंने अलग अलग फील्ड में ट्रेनिंग दी। और साथ में ही मैंने अभी प्रोजेक्ट स्नेह को ज्वाइन किया है, जिसमें मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि जो प्रॉब्लम मेरे साथ आती थी बाहर जाने की, ट्रैवलिंग की, एक लड़की की जो सुरक्षा को लेके होती है, वो सारी जो परेशानियाँ थी वो मेरी प्रोजेक्ट स्नेह में आके दूर हो गई हैं। और प्रोजेक्ट स्नेह में इस तरीके से काम होता है, जैसे एक फैमिली की तरह हम सब लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। उसमें मैं ट्रेनर के रूप में बहुत सारी लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। प्रोजेक्ट स्नेह से जुड़कर मैंने अलकमर जैसी बहुत सारी लड़कियों को ट्रेनिंग दी है, जो आज आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरी हैं। मेरा नाम अलकमर है। मैं पहले पढ़ाई करती थी, पढ़ाई के बाद आर्थिक स्थिति के कारण मेरा गैप हुआ। उसी दौरान गांव में हमारे कैंप लगा प्रोजेक्ट स्नेह का। प्रोजेक्ट स्नेह के कैंप द्वारा मैंने स्टिचिंग सीखी। अब स्टिचिंग के बाद मैं वहां से जो मनी मिलती है उस मनी के दौरान अपना एडमिशन फिर से लिया। एडमिशन लेने के बाद अब मैं पढ़ाई भी कर रही हूं और वहां पर स्टिचिंग के लिए भी जाती हूं। अब मैं पापा पर निर्भर नहीं रह करके खुद से अपना खर्चा स्वयं कर सकती हूँ। सशक्त महिला ही एक स्वस्थ और सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है। इसी सोच ने प्रेरित होकर 2017 में मैंने प्रोजेक्ट स्नेह की नींव रखी। एम्पावरमेंट इज द मेन फोकस ऑफ माई एनजीओ, जिसके अंतर्गत मैंने मुरादाबाद मंडल के बहुत से गांवों में जाके महिलाओं को संगठित किया और उनको ट्रेंड किया, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके। जो महिलाएँ मेरे साथ जुड़ना चाहती थी उनको, उनके लिए मैंने मुरादाबाद में एक सेंटर बनाया, जहाँ पर मैं जितने भी फैक्ट्री के बेस्ड प्रोडक्ट हैं उनको अपसाइकिल करके एक नई शेप दी, नया डिज़ाइन दिया। इसमें गांव की महिलाओं ने मेरे मकसद को समझा और उसमें उन्होंने पूरा साथ दिया। जैसे जैसे मैंने उनको ट्रेनिंग दी वैसे वैसे उन्होंने सीखा। इससे उनके जीवन में बहुत बदलाव आया, वो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे पाती हैं और अपनी लाइवलीहुड को वो अच्छा बना पाती हैं।